हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानशमायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम् श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधम् श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण प्रभु। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितं प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधं। दण्डवत् प्रणाम प्रभु। यस संतोष प्रभु। नहीं है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधं। हरे कृष्ण। और कोई पढ़िए प्रभु जी लोगों में से। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधं विधं। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी। दण्डवत् प्रणाम। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं वैष्णवरो भूत्वा प्राणं निनं देहम् आश्रिता प्राणपानसमयुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। यस नेहा माताजी। अहं वैष्णवरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रिता प्राणपानसमयुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। और कोई। सोनाक्षी माता जी पढ़ लिया आप। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। ओके ठीक है। शब्द हरे कृष्ण। हरे वाह। हरे कृष्ण।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। और किन को पढ़ना है क्या माता जी लोगों में से? नीना ठीक शब्दार्थ यस आपने पढ़ा ना गौरव प्रभु अगेन यू वांट टू प्रभु जी थोड़ा गलत पढ़ा प्रभु जी कोई बात नेक्स्ट सैंपल ट्रैक ठीक है क्षमा कीजिए प्रभु हमें हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं बात जी ठीक है आप क्लास सुनिए समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है बस सुनिए ठीक है ओके श्री कृष्ण शब्दार्थ अहम मैं वैश्वानर पाचक अग्नि के रूप में पूर्ण अंश भूत्वा बनकर प्राणिनाम समस्त जीवों के देवम शरीरों में आश्रितः स्थित प्राण उच्छ्वास निश्वास अपान श्वास समायुक्त संतुलित रखते हुए पचामि पचाता हूँ अन्नम अन्न को चतुर्विधम चार प्रकार के अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति यशु भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रपात के द्वारा जगत गुरु शिला प्रपात के शिला प्रपात अनुवाद में लिख रहे हैं क्या मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ जगत गुरु शिला प्रपात की हरे कृष्णा ओके आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा वैश्वानर वह देवता है ये देखिए बहुत सुंदर श्लोक है ठीक है वैश्वानर वह देवता है जो खाने को क्या करते पचाते है ना तो भगवान कह रहे हैं मैं खाने को पचाने वाला देवता होकर के प्राणी नाम देहम आश्रित सभी प्राणियों के देह का आश्रय लेता हूं ठीक है सभी प्राणियों के देह के आश्रय लेता हूँ प्राण अपान समायुक्त पांच प्रकार के प्राणों में से यह दो प्रकार का प्राण है जो खाना हजम करने में सहायता करता है समायुक्त मतलब उससे जुड़ करके पचामी अन्नम चतुर्विधम मैं चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ चार प्रकार के अन्न मतलब चार प्रकार का डिशेस ठीक है ऐसा नहीं रोटी दाल चावल सब्जी ये नहीं ठीक है चार प्रकार का डिशेस समथिंग डिफरेंट ठीक है अभी वो उसको टीका में बलदेव विद्याभूषण जी करेंगे दैट इज वेरी नाइस ओके पांचवा और कोई प्रकार का नहीं होता है ठीक है चार प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उसको बोला जा रहा है हम लोग आगे इसको समझ बहुत अच्छा श्लोक है इस श्लोक पर बहुत सुंदर सार्वभौम प्रभु नोट करते हुए कहते हैं कि भाई खाने का ठीका तुम्हारा है खाने का ठीका तुम्हारा है और पचाने का ठीका भगवान का इसलिए खूब खाओ गर्दा करके खाओ है ना क्योंकि खाना तुम्हारा है पचाना भगवान का है मतलब पचा देंगे खाओ लेकिन सब महाराज कहते हैं कभी कभी भगवान स्ट्राइक पर भी चले जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी नहीं भी पचाते हैं ना भगवान तो खैर भगवान पचाते हैं तो भगवान को ऐसी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए वैसे जो उन्हें पचाना अच्छा नहीं लगता हो मतलब मांस इत्यादि ये सब भगवान को अच्छा नहीं लगता है पचाने में क्यों दें हम उसको ठीक है ना अब एक बार किसी भक्त ने पूछा किसी भक्त से पूछा गया इस पे एक विनोद की बात ये भी है कि भाई आपने भोग लगाया आपने बैठ जाओ बैठ के कथा सुना हाँ बैठ जाओ सादी लोग तो एक भक्त ने पूछा कि भक्त से पूछा गया कि आपने क्लास पे ध्यान दो प्रसाद पे बाद में ध्यान देना क्या बोले कि भाई आपने भगवान को भोग लगाया तो बोले हाँ लगाया ना वैश्वानर भगवान को भोग लगाया समझे मतलब अंदर वैश्वानर भगवान है भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानर भूतवा मैं पेट के अंदर हूँ तो बाहर वाले भगवान को भोग नहीं लगाया डायरेक्ट चावल दाल सब्जी खा दिया अंदर वाले भगवान को भोग समझ रहे तो यह श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है ठीक है भगवान पचा रहे हैं अतः उनको केवल प्रसाद ही हमें खाना चाहिए
आगे बढ़ते हैं। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। मतलब देखिए, अब समस्त जीवों मतलब खाली मनुष्यों के शरीर में नहीं, अन्य जीव भी जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय हैं, गधे हैं, सब में, सबके पेट में कौन है? भगवान है, और वही उसको पचा रहे हैं। पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वसन प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ठीक है, गीता भूषण टीका। मैं ही चावल और अन्य योग्य वस्तुओं को पचाने का कारण स्वरूप हूँ। जठराग्नि का रूप लेकर उस सूक्ष्म रूप में मैं प्राणियों के पेट की शरण लेता हूँ और प्राण और अपान के साथ युक्त होकर के चार प्रकार के भोजन को पचाने का कार्य, पचने का कारण का, पचने पचन करने के का कार्य करता हूँ जो प्राणियों के द्वारा खाए जाते। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम यह सब लोग यह श्लोक डिस्कस कर रहे हैं क्यों, और भगवान क्यों बोल रहे हैं सारे श्लोकों को, क्योंकि भगवान से इससे पिछले तीसरे वाले श्लोक में कहे थे, जीवों को भोग करने की सुविधा भी कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? अरे बोल, जीवों को सुविधा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। भगवान, हाँ भगवान दे रहे हैं। ठीक है, कृष्ण दे रहे हैं। वही थीम चल रहा है, उसी को भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं आगे। ठीक है, वही थीम चल रहा है, उसी को भगवान क्लियर कर रहे हैं। कौन पचा रहे हैं खाना? भगवान, कृष्ण। यस, वही थीम चल रहा है। यही दृष्टि से याद करते हुए आपको यह सारे श्लोक देखना है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्तों के पेट के ही खाना भगवान पचाते, नहीं, अभक्त लोग भी भोग कर रहे हैं और उनके पेट में भी जो खाना जा रहा है, वो लोग भी जो गंदे गंदे खाना खा रहे हैं, उसको भी कौन पचा रहा है? भगवान ही पचा रहे हैं। वह भी भोग कर रहे हैं और उनके भोग का भी भगवान ही ध्यान रख। ठीक है, अगर पचेगा ही नहीं तो फिर क्या खाएगा वो, है ना? इसलिए पचना बहुत जरूरी है। श्रुति कहती है, अयम अग्निर वैश्वानरो यो अम अंतः पुरुषी येनदम अन्नम पच्यते। भगवान ही मनुष्य में पाचन करने की अग्नि है जिससे अन्नम पचता है। बृहदारण्यक उपनिषद 5.9। अच्छा, कभी मन में विचार आया है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड है जो हमारे भोजन को पचा रहा है? बता बता। HCl प्रभु, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, HCl। ओके ओके, सब लोग पढ़े लिखे लोग। HCl को कभी हाथ पे लिया है? जी प्रभु, जब डाइल्यूट होता है तो स्नान कंसंट्रेशन में लिया है, पर ऐसे लिए हैं, डाइल्यूट लिए हैं। नहीं नहीं, हाथ पे लेने से HCl, अगर हाथ पे लेंगे तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा प्रभु। अब कभी मन में यह विचार आया है कि भर भर के पेट में HCl है तो पेट जलता क्यों नहीं है? इसकी पेट तो बहुत सॉफ्ट है। अब स्किन, अगर हाथ का स्किन देखें तो ये तो बहुत टाइट है, इसके ऊपर नमक मिर्ची इत्यादि रखते हैं तो ये जलता नहीं है, लेकिन अगर पेट में नमक मिर्ची इत्यादि डालते हैं तो वहां पे जलन होता है। लेकिन हाथ में अगर HCl रखेंगे तो हाँ जला देगा, जबकि यह ज्यादा टाइट है, पेट तो अंदर टाइट नहीं है, तो फिर वह जल क्यों नहीं रहा है? सॉफ्ट है, जलता क्यों नहीं? आश्चर्य है ना। हाथ में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड लें, एसिड लें, तो क्या करेगा, वह हाथ को जला देगा। लेकिन भगवान की क्या व्यवस्था है, सोचिए कि पेट में भर भर के हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड है, एसिड है, लेकिन फिर भी जो है सो पेट जलता नहीं। व्यवस्था बना करके रखे हैं भगवान, है ना। और वही इधर उधर हो जाता है तो फिर पचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और पचता ही नहीं है, पचने का अर्थ साथ ही साथ उसे सारे रसों को निकालते हैं, सीट को निकालते हैं, और फिर उन रसों को शरीर के डेवलपमेंट में लगाते हैं। बड़ा मुश्किल है ना, हम तो समझ भी नहीं सकते। ठीक है, समझ रहे हैं। यह तथ्य कि भगवान ही पाचाग्नि है या वेदांत सूत्र में भी पुष्ट है। अब आप देख सकते हैं कि यह सब लोग कह सकते हैं कि अरे आप लोग भगत हैं इसलिए भावुकता में स्वीकार कर रहे हैं। भावुकता में नहीं, देख रहे हैं, वेद भी वर्णित कर रहा है और हमें स्वीकार करनी चाहिए इसका। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण पहलू यह है, प्रकृति के हर वस्तु के पीछे, देखिएगा, प्रकृति के हर वस्तु के पीछे एक जीवित व्यक्ति, और जब इस जब व्यक्ति इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करता है ना, तो वह उसका सम्मान करेगा। अभी आप देखिए कितना पॉल्यूशन क्यों हो रहा है,
पृथ्वी इतनी गंदी क्यों हो रही है? क्योंकि हम पृथ्वी को देवी नहीं मान रहे, पृथ्वी को अपना भू का सामग्री मान रहे। इसके ऊपर घर बनाना है, इसके पेड़ को काट देना है ना, रोड बनाना है, पेड़ को काट देना है, इधर गंदा उधर गंदा करना है। लेकिन अगर यहीं पर पृथ्वी को आप एक जीवित व्यक्ति के रूप में अगर स्वीकार करें तो करेंगे नहीं करेंगे गंदा? गंगा देवी में, अच्छा गंगा देवी में कोई थूकिएगा आप लोग बताइए? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जो भक्त है वह थूकेगा नहीं? थूकेगा, मलमूत्र त्यागेगा नहीं, सोचेगा भी नहीं। लेकिन जो अभक्त है वो वो करेगा, वो थूक भी देगा, मलमूत्र भी त्याग देगा, उसमें ना जाने पूरे फैक्ट्री का कचरा डाल देगा, ना जाने क्या क्या डाल देगा, समझ रहे हैं? तो अगर हम हर एक चीज को एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करते हैं तो हम उसका सम्मान करेंगे। गंगा देवी में कोई भक्त नहीं थूक सकता है, न मलमूत्र त्याग सकता है, लेकिन जो अभक्त है उसके लिए एकमात्र पानी है बस। अब ऐसा नहीं है कि मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी, नहीं, तेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह गंगा देवी है और वही रहेगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मिला था, मैंने बोला उनको कि कृष्ण को प्रणाम करो, तो नहीं हम हमारे देवता नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं भगवान। मैंने बोला तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बोला हमारे गांव के देवता अलग है। तो तुम्हारे गांव के देवता तुम्हें मुक्त कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वह बिना कृष्ण के आदेश का। जस्ट लाइक अ डमी, डमी फोन देखा है, डमी कुछ भी नहीं कर सकता है वह कृष्ण के आदेश के। तो ये सब मूर्खता है, महामूर्खों वाली बात है। मैं नहीं मानता हूँ ये कृष्ण, अरे मानने से ना मानने से क्या होगा? अब चार पांच कुत्ते मिल जाए और बोले नहीं मैं नहीं मानता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का, तो उससे क्या हो जाएगा बताइए? भौं भौं करने लगे, भौं 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 भौं, हम लोग सरकार गिरा देंगे, हम लोग नहीं मानते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हम लोग गिरा देंगे, हम लोग गिरा देंगे। तो उसके भौंकने से प्रधानमंत्री जी गिर जाएंगे कुर्सी पर से, हैं? या फिर उनकी वैल्यू घट जाएगी? वो तो भगवान ही है ना? तुम्हारे मानने या ना मानने से ऐसा नहीं है कृष्ण की वैल्यू घट जाएगी अथवा कृष्ण भगवान नहीं रहेंगे, वो तो भगवान है और भगवान ही रहेंगे। वैसे ही मानो या ना मानो, गाना भी गाते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना बहता तो पानी, पता नहीं व्हाटएवर, लेकिन तेरे मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गंगा देवी हैं। इसलिए हमारे सिद्धांत में, हमारे वैदिक ग्रंथों में देखे ना, तो हर एक चीज को सुनील प्रभु कृपया स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए, समझ रहे? तो मैं क्या कह रहा था, हर एक चीज को क्या बताया गया है, ये एक एक जीवित मनुष्य के, एक एक जीवित व्यक्ति के रूप में, कहीं से आवाज भी आ रही है, रीतिका माता जी प्लीज मेक योर सेल्फ ओके। तो आगे यथा शब्दाभ्यंत प्रतिष्ठाय च, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी उपस्थित हैं। वेदांत सूत्र 1.2.27 चार प्रकार के भोजन इस प्रकार के हैं। देखिए चार प्रकार के भोजन आप लोग बोल रहे थे, कौन कौन है? सुनील प्रभु आप हैं, व्हाई आर यू प्रेजेंटिंग द स्क्रीन? Disturbing the class. Yeah, stop presenting. Thank you. Yes, simply this is the best option. If you will not listen to me, Japa team, Madhasi, you have the authority, you can remove. I don't want any disturbance in. 10 व्यक्ति रहे, आई डोंट वॉन्ट इट, 10 व्यक्ति रहे, बट सीरियसली क्लास सुने ओके। तो है पहला, चार प्रकार के भोजन देखते हैं कौन से हैं, आप लोगों के मन में प्रश्न आया हुआ होगा। देखिए भक्षयम, जिन्हें दांतों से चबाया जाता है, जैसे चना रोटी आदि, इसे चर्वयम भी कहते हैं, ठीक है, चर्वयम, ठीक है।
दूसरा है भोज्यम, चावल सूप इत्यादि। लेह्यम जैसे खीर चीनी मधु, इनको चाट चाट कर खाया जाता है, उसे लेह्यम कहा जाता है। और चूष्यम आम गन्ना, जैसे आम हो गया, गन्ना हो गया, जूस हो गया, या फिर खड़ी, खड़ी मालूम है आप लोग, खड़ी होता है, खड़ी खाए तो खड़ी, वो सब चूसम में आता है। ठीक है, तो जनरल यही चार प्रकार के भोजन होते हैं। पांचवा कोई है आप लोग के नजर में बताइए? बताइए खड़ी क्या होता है? वो साग होता है ना, साग, तो उसकी जो मोटी वाली डंडी हो जाती है उसको ही खड़ी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जिसको चूसा जा सके, उसको चूष्यम, है ना, उसी उसी पर वो सब भी इसी में आता है। अब देखिए इसके अलावा पांचवा कोई पदार्थ आप लोग बता दीजिए मुझे, ये चार छोड़ करके पांचवा कोई बता दीजिए, ये चारों इसी ड्रमस्टिक, आई डोंट नो ओके, इंग्लिश में शायद ड्रमस्टिक बोलते होंगे, पता नहीं, लेकिन ये चार प्रकार की चीज होते हैं जिसे जनरली खाया जाता है, पांचवा कोई भी नहीं होता। देखो सारा कुछ कंसिडर हो गया, भगवान इसी को पचाते हैं। ठीक है, समय जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इनमें सब आ गए, सब आ गए, इसलिए हम लोग गाते भी है ना, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्ना तृप्तान हरिभक्त संगान, यह चार प्रकार के अन्न को बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। और जब छप्पन भोग बनता है ना, तो ये चार प्रकार के अन्न में से चारों प्रकार का होना चाहिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के अन्न बना करके भगवान को समर्पित किया जाता है। और भगवान एक बात बहुत सुंदर कहते हैं, ध्यान रखिए, बहुत सुंदर बात, बहुत गंभीर बात, एक चीज ध्यान रखिए आप, आज हम लोग भोजन कर रहे हैं और बाद में हम किसी का भोजन बन जाएंगे, कीड़े अग्नि इत्यादि किसी का भोजन बनता है। तो भगवान एक बात बहुत सुंदर कहते हैं कि मेरे भक्त बहुत चतुर हैं। क्यों चतुर है? हरि बोल, क्यों चतुर है मेरे भक्त? क्योंकि इस शरीर के इस शरीर का मतलब आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, जीरो जीरो रुपीज, कोई वैल्यू नहीं है, पूरे शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन इसी शरीर में हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम उनके धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, समझ रहे हैं? कितना बड़ा बुद्धिमानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे बोलते हैं आप बताइए? मुख से बोलते हैं, जीभ से बोलते हैं, जीभ सबको दी है भगवान और बोलने की शक्ति भी दी है। और क्या मरने के बाद कुछ बोल पाएंगे? कितना भी बड़ा सुंदर मुख हो, कितना भी अच्छा हो, बोल पाएंगे? नहीं, और जीव भी जलकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक अगर भगवान का नाम का उच्चारण करते रहे तो यही जीव यही मुख आपको भगवान का नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है। कितनी बड़ी बुद्धिमानी है ना, बताइए अकेली अकेले की क्या वैल्यू है? अभी कैसे रुपए दर्जन मिल रहा है केला? 30 रुपए 40 रुपए अधिक से अधिक 5 रुपए में एक, नहीं कितना हो गया, 5 रुपए तो 2.5 रुपए में ना, 2.5 रुपए में, यस 2.5 रुपए, हमारे इधर तो 30-40 रुपए में मिल रही है। तो 2.5 रुपए का एक केला आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, जानते हैं आप? 2.5 रुपए का एक केला, केला का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भक्त इतने बुद्धिमान होते हैं कि बस वो कृष्ण को समर्पित कर देते हैं और कृष्ण हमेशा उसे जीवन भर याद रखते हैं, अरे इसने मुझे एक केला दिया, तो उस व्यक्ति को भगवान अपना धाम देते हैं। भावुकता में नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, भगवान 9वें अध्याय में बोले हैं, जो व्यक्ति भगवान को खाना अर्पित करता है उनके लिए तपस्या करता है, यत करो से दसनासी जो से दासी तपस्वी कौनते तत्पुरुष मद अर्पणम, उनके लिए कर्म करता है वह उनके पास चला जाता है, इसमें कोई शक। और इस दुनिया में हम कितनी मेहनत करते हैं और वह सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है कि नहीं? सब कुछ छीन लिया जाता है। तो बस पॉइंट यही है कि शरीर भी एक दिन किसी न किसी का भोजन बन जाएगा, इसीलिए इससे पहले कि वह शरीर या शरीर किसी का भोजन बन जाए, इससे पहले आप भगवान की सेवा में सेवा। आगे जब भगवान कहते हैं कि वे ही चंद्रमा या पाचाग्नि बन जाते हैं और उनसे अभिन्न है, तो यह समझना होगा कि यह कार्य भगवान अपनी स्वव्यापकता की शक्ति से करते हैं।
अर्थात वे भौतिक वस्तु नहीं बन जाते हैं अपितु उनमें प्रवेश करते हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि चंद्रमा, मन में प्रश्न हो कि प्रभु भगवान बोले कि मैं चंद्रमा हूँ, मैं चंद्रमा के माध्यम से ये करता हूँ, सूर्य के माध्यम से लाइट देता हूँ, तो सूर्य भी कृष्ण हो गए, चंद्रमा भी कृष्ण हो गए। नहीं, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की अग्नि है, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कोई भौतिक तत्व है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये भौतिक जगत भगवान से विस्तारित है, पूरे जगत में भगवान है लेकिन जगत भगवान नहीं है, समझ रहे ना? इसको समझना पड़ेगा। तो हमेशा स्मरण रखना चाहिए, स्मरण करना होगा कि भगवान हमेशा पूरी तरह से चिन्मय वस्तु है, सच्चिदानंद वस्तु है, और उनके पास एक ऐसी शक्ति है कि वह हर जगह अपने आप को व्याप्त कर सकते हैं। तो इन शक्तियों के द्वारा इन वस्तुओं में वह प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, वह प्रवेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और उनको फिर क्या कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। जैसे आपके घर पे लाइट है, बैठो, जैसे हमारे घर पे लाइट जलती है, ट्यूबलाइट जलती है, तो अच्छा ट्यूबलाइट में पावर हाउस है कि नहीं है? कुछ हद तक, कुछ लिमिटेशन में ट्यूबलाइट में है कि नहीं पावर हाउस, है ना? समझ रहे हैं, पावर हाउस कहीं और है लेकिन वो अपने करंट के माध्यम से कुछ हद तक इसमें भी व्याप्त है, समझ रहे हैं? सूर्य कहीं दूर है लेकिन वो अपनी रोशनी के माध्यम से पूरी जगत में व्याप्त है। उसी प्रकार से भगवान इस जगत में हर जगह व्याप्त है, चंद्रमा में, सभी जीवों में, ठीक है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब जीव ही भगवान नहीं हो जाएगा, सूर्य भगवान नहीं हो जाएगा, चंद्र ही भगवान नहीं हो जाएगा, इसको ध्यान रखना चाहिए। ओके, क्लियर है? यस, तात्पर्य पढ़िए जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार अमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सबको बोलते हैं कि सवेरे उठिए साधना की दृष्टि से, लेकिन बहुत लोग उठ नहीं पाते, या उठने के बाद हमें नींद आती है जप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जप के समय। अगर हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, सूर्य के उदित होने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। कितने देर में? 2 से 2.5 घंटे के अंदर, मतलब मैक्स टू मैक्स 9:30 तक दाल ले लेना चाहिए, ठीक है, उससे अधिक नहीं लेना, उससे अधिक देर नहीं करना। उसके बाद एक तो ये पहला पॉइंट, दूसरा हो गया सूर्यास्त होता है जनरली कब, 6 से 6:30 बजे। अब दूसरा नियम यह है कि व्यक्ति को सूर्यास्त से 1 या 1.5 घंटे पहले भोजन, 5:15 बजे तक भोजन, यह सबसे अच्छा तरीका है। अब आप देख लीजिए अपने सुविधा अनुसार, ऐसा करेंगे तो यह सबसे अच्छा तरीका है, श्रील प्रभुपाद भी इसी को सजेस्ट करते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति करता है ना, रात को बिल्कुल कुछ नहीं खाता है, अब जैसे रात हो गई है, 8 बज गया 9 बज गया, नहीं खाता है, उसका पाचन तंत्र जो है सो अच्छा रहता है, समझ रहे हैं? अगर वह रात को खाता है तो पाचन तंत्र नहीं पचाएगा उसे, भगवान बंद कर देते हैं, ठीक है, कुछ खाएंगे तो अनपच हो जाएगा, होता है ना, जनरली आप देखते होंगे कभी कभी अनपच हो जाता है, तो क्यों होता है, वो रात के नहीं खाने की वजह। 5 बजे खा लेंगे तो ठीक है, रात को थोड़ा सा दूध बहुत है ना, 2 टाइम का खाना वैसे बहुत है, 2 बार खा लेंगे हम शरीर तो खाते थे ना, 2 बार, एक ही बार खाते थे तो उसमें ही गम रहते थे, 2 बार का खाना बहुत है, और बार बार है ना, इसलिए 2 बार का खाना बहुत है हमारे साधना के लिए। ध्यान रखें, साधना की दृष्टि से ये सबसे बढ़िया, सबसे आसान और सबसे अच्छा नियम है। ओनली 2 टाइम प्रसादम, मॉर्निंग 9 AM और 9:30 AM एंड इवनिंग 5 to 5:15, है ना, 4, 5:15 नियर बाय, बस इस तरह से खा लेंगे तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप सवेरे भी अच्छे से उठ पाएंगे, जब भी अच्छे से। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बार बार बकरे की तरह नहीं खाना चाहिए, कभी मिल गया घास तो खा लिया, कभी पत्ते दिख गए तो खा लिया, लप 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 लप, खाते नहीं रहना चाहिए, है ना।
कभी पकोड़ा दिख गया मार्केट में तो पकोड़ा मार लिया, कभी थोड़ा क्या कहते हैं झाल मुड़ी दिख गया तो झाल मुड़ी खा लिए, कभी चना दिख गया चना खा लिए, हमेशा नहीं खाते रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कभी रोटी, कभी समोसा, कभी भगवान पचा रहे हैं चावल तब तक दो समोसा डाल दिया, समोसा पचा रहे हैं तब तक दो रोटी डाल दिया, है ना। इस प्रकार से हमें नहीं खाते रहना चाहिए हमेशा, हमेशा खाना गलत बात है। कितना टाइम खाना चाहिए? टू टाइम। कितना बार खाना चाहिए? टू टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। यस, ठीक है, तो दो बार खाना चाहिए, शाम और सवेरे, उससे अधिक नहीं खाना चाहिए, हमेशा नहीं खाते रहना चाहिए। कभी लेस, कभी कुरकुरे, ये सब गंदा चीज है, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें तो खैर भक्तों को खाना ही नहीं चाहिए, मतलब मैं मेरा कहने का अर्थ है मतलब जो भी दिख गया उसे नहीं खा लेना चाहिए। इसको बहुत सुंदर भक्त बताते हैं कि आप खाना बना रहे हो, मान लीजिए आपकी पत्नी खाना बना रही है, माता जी बना रहे हैं, आप तो खाना बना रहे, और कोई बोले कह रहे चार आदमी आ रहे हैं चावल डाल दीजिए, चावल डाल दिया आपने, थोड़ी देर के बाद फिर बोले अरे नहीं नहीं और दो आदमी बढ़ गया और थोड़ा सा आधा किलो चावल डालो, डाल दिया, अरे नहीं और तीन आदमी बढ़ गया फिर 750 ग्राम चावल डाल दो, फिर आपने डाल दिया, इस तरह चावल पकेगा नहीं पकेगा, खराब हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से होता है, अगर हम चावल खा रहे हैं, भगवान चावल को पचा ही रहे हैं, तब तक दो रोटी डाल दिए बिना भूख लगे हुए तो नहीं खा सकते। इसलिए आयुर्वेद में ये नियम है कि जब तक भूख नहीं लग जाती आप मत खाइए, है ना। भूख लगना बहुत जरूरी है, अगर बिना भूख लगे हुए खा लेंगे तो अनपच हो ही जाएगा। आप करके देखिएगा, बहुत महसूस मतलब क्या कहते हैं आप महसूस कर पाएंगे, साधना में बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अगर दो टाइम आपने खाया तो आप महसूस करेंगे सुबह एकदम फ्रेश रहेंगे और पेट भी क्लीन रहेगा और आप जप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, और नींद भी आपको जप में नहीं आएगी। यस, ये साधना की दृष्टि से अच्छी है, इसलिए मैंने बोला इतना, बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग प्रयास करके देख पढ़िए। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्नि वैश्वानरो यो अमपि मन्तः पुरुषे येन दनाम अन्नम पच्यते। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। अतः भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत बहुत महत्वपूर्ण है, भूख नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि जो खाया वह पच नहीं पाया है, वह पचा है तो आप देख रहे, नहीं पचा तो नहीं खा पाएंगे। खाना एक बहुत बड़ा सुख है वास्तव में, है ना। पकोड़ा खाना वास्तव में बहुत बड़ा सुख है, वो भी भगवान को अर्पित। तो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा सुख वास्तव में, लेकिन खाने के लिए भी हम भगवान पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए प्रार्थना करके भगवान से खाना ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। खाना हमें भगवान से प्रार्थना करके ही ग्रहण करना चाहिए। जीवन में जो इतना कृपा कर रहा है उसको भी सुखी करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जीवन में आनंद उठाते हैं किनकी कृपा से? उनकी ही कृपा से। यस, वेदांत सूत्र में 1.2.28 में इसकी पुष्टि हुई है, शब्दादि व्योंत प्रतिष्ठान उच्च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर और यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न चार प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेह्य, तथा कुछ चूसे जाते हैं पोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्न की पाचक शक्ति। क्या सीखे हम? कि अन्न हजम करने के लिए भी हम लोग भगवान पर ही आश्रित, जीव कोई भी भूख करे तो उसके पीछे वह भगवान पे ही आश्रित है। श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गोपी महादेव। कोई प्रश्न भी है क्या आप लोगों का? यस मिन कितन प्रभु, जिसको दो तीन बार भूख ज्यादा लगे तो हाँ ठीक है, अब अगर भूख लग रहा है तो खा सकते हैं।
लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आप ये टाइम पे खा लेंगे एक बार, क्यों उसको ये कर रहे हो, जो बैठो आप वन सिट, एक बार अगर आप 9 बजे अच्छे से खा लेंगे दाल राइस रोटी सब्जी और चटनी इत्यादि खा लेंगे पूरा दिन, मैंने अनुभव किया है कि भाई 4 बजे तक तो भूख नहीं लगता है, 4-5 बजे तक तो, 4 बजे के बाद 3-3.5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा भूख जागृत होना शुरू करता है ना। इसीलिए सवेरे सवेरे खा लेना चाहिए 9 बजे और एक बार 5 बजे खा लीजिए। अब अगर इच्छा है नहीं मन में है कि प्रोजेक्ट एक बार और खाया जाए तो 3 टाइम खा लीजिए अपने शरीर के अनुसार से देख लीजिए, ठीक है। आवाज आ रही है ना जा रही है, अब से ही आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, यस बोलिए शुभ। प्रभु जी तो हम लोग का जितना खाना है तो ये कैटेगरी 4 कैटेगरी में हम लोग का आता है, चर्बोचुष्य लोच्छो पेय, मतलब 4 कैटेगरी में हम लोग का आता है, और इसमें पान करना भी इसमें। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, यस प्रभु। आगरा इजाइल, हरे कृष्ण, भोग नहीं लगा रहे, आवाज आ रही, यस गौरव प्रभु। प्रभु जी मैं नॉन डिवोटी फैमिली से हूँ तो भोग नहीं लगाने देते हैं। देखिए जितने भी भगत होते हैं ना प्राय सब नॉन डिवोटी भगत नॉन डिवोटी फैमिली से ही होते हैं, उन्हें धीरे धीरे करके अपने फैमिली वाले को मनाना पड़ता है, धीरे धीरे करके सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे करके भक्त बनाना पड़ता है, फिर वो आपको अलाव कर देंगे भोग लगाने के लिए, है ना। बट इट्स टेक टाइम, डोंट वरी, आप जप करते रहिए, अपने फैमिली को भी बोलिए, प्रयास करिए उन्हें जप इंट्रोड्यूस करने के लिए, मॉर्निंग में जप में लेके आइए, तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे, ठीक है जी। प्रभु जी, प्रभु जी मेरे पास मैंने कंठी माला धारण की है मेरे शिक्षा गुरु जी से पूछ के, तो जो भोग है उसको मैं ये कंठी माला पे टच करके खा सकता हूँ, मतलब वैसे ऑफर कर सकते हैं? मैंने शास्त्र में पढ़ा नहीं है, आचार्यों ने ऐसा कहा नहीं, ठीक है, भगवान के सामने रख करके तुलसी पत्र अर्पित करके तभी हो, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।